Hi guys, good evening. This is Chef Wasim Nawaz from Abu Dhabi. पाया हमने लिया था 2 kg, ठीक है. फिर उसके बाद हमने 2 onion लिया था. पाए को हमने अराउंड 10 minutes बॉयल किया, सिर्फ जो उस पाए का स्मेल होता है वो हटाने के लिए. फिर हमने क्या किया, जो इतना पानी था वो हमने गिरा दिया. पाए को साफ पानी में डाल के, दूसरे पानी में डाल के अच्छे से उसमें मसाला डाला, कड़ा मसाला जैसे बोलते हैं, जैसे बे लीव्स हो गया, इलायची हो गई, काली इलायची हो गई, ज़ीरा हो गया, ब्लैक होल पेपर्स हो गए, और ये सारा सामान इसमें हमने डाल दिया. फिर हमारे पास स्पेशल मसाला है पाए का. आप बाज़ार से कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं जो पाए मसाला हो. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पाए मसाला बनाने भी सिखाएंगे. तो हमने वो डाल दिया तकरीबन 1 चम्मच, सिर्फ बॉयलिंग के लिए हमने 1 चम्मच डाल दिया. फिर जब ये रेडी हो जाएगा 3 घंटों के बाद, तो हम इसमें तड़का देंगे. तड़के के लिए हमें चाहिए होगा देसी घी, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे ऑन द जब तड़का लगाएंगे. देसी घी चाहिए होगा, योगर्ट चाहिए होगा, और वही जो मसाला हमारे पास है स्पाइसेस, वो हमें 1 टेबल स्पून और चाहिए होगा, और थोड़ा सा नमक. और हाँ, सॉरी टू फॉरगेट टू से, इसमें हमने बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर अजीनोमोटो डाला है. अजीनोमोटो इसलिए ताकि ये जो पाए है वो उसको सॉफ्ट करे, अच्छे से टेंडर हो जाए. जब आप खाओ तो आपको खाने में फील हो कि सॉफ्ट है. एंड टुडे वी आर मेकिंग पिशावरी पाए, वेरी इजी एंड क्विक वे. फर्स्ट वी गिव 10 मिनट्स टू बॉयल द पाए to remove the smells. Then after that we throw the raw water which we boil. After that we add more water and paya. It's around 2 kg. Then after that we add some spices. This is the one, this is our special spices we made by self. This is has different recipe, but you can find from market easily, different kinds of companies. And now I add some garam masalas like curry patta and black pepper whole, green cardamom whole. Now I'm going to add 2 medium size of onion, carrots, and after that I will add very less quantity of turmeric powder. So here we are adding very less quantity, so it's about 1/2 teaspoon, this much only we will add. This is called ajinomoto. You can use any kind of beef tender. So for now I find this one here in Abu Dhabi. I cannot find the other one which we using this is, so we will add very less quantity, 1/2 teaspoon, because there is also salt as well, salty taste. So now we are going to close and fire it up. Okay, so this is plain flour with some water. There is no salt, nothing extra, because we will cover this one all over. We don't have cooker here, so what we will do, we will cover all this one with dough to make it more steam and cook it very nice. If we open and close, the lace will not come off the rice, of the yogurt pie. So now we are going to cover this one. Make sure it's covered very nicely and evenly. If it's not covered nice, it will not work properly. तो अब इसको हमने कवर कर दिया है प्रॉपर तरीके से. जितना भी स्टीम होगा इसके अंदर रहेगा, आउटसाइड नहीं जाएगा. जब तक ये प्रॉपर स्टीम नहीं होगा, इसका जो मेन स्ट्रक्चर है ग्रेवी का, वो नहीं आएगा. सो इसको हम अभी 3 घंटे के लिए छोड़ेंगे, लो फ्लेम के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम, ताकि ये अपने मूड से कुक हो जाए. ठीक है, तो अभी हम आपसे मिलेंगे एग्जैक्ट 3 आवर्स. आफ्टर 3 आवर्स के बाद मिलेंगे. फिर इसके बाद कुछ तड़का होगा और फर्दर इंग्रेडिएंट्स हम आपको आगे बताएंगे.
इसको थोड़ा और कुक करना है, टाइम है, टाइम है थोड़ा सा टेंडर होने के लिए। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब इसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम आपके पास 5 मिनट के बाद वापस आएंगे। इसका तड़का के लिए हमें अलग से कंटेनर देंगे जिसमें हम घी यूज़ करेंगे और कम बैक वो विल चेक विट। दूसरी हांडी अब हम चढ़ाएंगे जिसमें ये देसी घी है, ऑलमोस्ट यू कैन से 100 ग्राम, मोर देन 100 ग्राम इसमें डालेंगे। जब ये मेल्ट होने लगे तो हमारे पास यहाँ पर है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हम खुद घर में बनाते हैं, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून है, फुल ऑफ है। इसमें हम इसको कुक करेंगे अच्छे से ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट कुक हो जाए। ये हमारे पास 250 ग्राम, आप इसमें टमाटो भी यूज़ कर सकते हो, टमाटो वाइल यू आर जब बॉयल करो तब डालना पड़ेगा, लेकिन हम तड़के के लिए टमाटो दही यूज़ कर रहे हैं। यदि गर्म हो रहा है तब तक हम जो हमारा पाए हैं अब हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और तड़का, तो एहतियात से आप खुद कलर चेक कर सकते हैं इसका। स्पाइसेस रह गए, ये देखिए पाइप, ये बूट है और ये ऊपर का है, हमने हाफ किया था और पतले वाले बकरे वाले पाए हैं, बकरे या दुम्बे वाले आप कोई से भी पाए ले सकते हैं। तो ये अभी हम इसको बॉइलिंग पे छोड़ेंगे जब तक इसकी जो रिमेनिंग वाटर है थोड़ा थिकनेस ना आ जाए इसमें। तो अभी इसको हम हाई फ्लेम पे रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे नहीं, हाई फ्लेम पे, साथ में 2 टेबल स्पून स्पाइस जाएंगे और दम पे लगाने के लिए। अब जो बाकी स्पाइसेस हैं अभी हमने डाल दिए 2 टेबल स्पून, सो टोटल 3 टेबल स्पून ऑफ पाया स्पाइस। ये आपको कहीं से भी दूसरे ब्रांड्स का मिल जाएगा, लेकिन हम ये खुद बनाते हैं, अपने ही है, अपनी खुद की रेसिपी है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वेरी सून हम आपको इसकी रेसिपी बता देंगे। इसको हाई फ्लेम पर हमें कुक करना है ऑलमोस्ट हाफ आवर। आधे घंटे के बाद हम वापस आए और हमारे पाए रेडी हैं। उस वक्त हमने अजिनोमोटो डाला था, जो अजिनोमोटो बीफ टेंडर के लिए भी यूज़ होता है और उसमें थोड़ा नमक होता है, तो हमने नमक नहीं डाला था। अब हम हसबे जायका फॉर टेस्ट नमक डालेंगे ताकि इसका स्वाद बराबर रहे। और ये हमारे पाए रेडी हो चुके हैं, डिश आउट हम इस वक्त नहीं कर सकते, सॉरी। और साथ में कोरिएंडर लीव्स, एंड हियर वी गो, एंड हियर वी गो। ये ट्राई कीजिए, होपफुली यू विल लव इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।